नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लिटन और आप सब लोगों को मेरे चैनल एलटी किंगल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब का बटन साइड में रेड कलर का मिल जाएगा। तो आज मैं करने वाला हूं रेडमी नोट 8 प्रो और रियलमी एक्स टी के कंपैरिजन, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन एक ही प्राइस रेंज में आता है और इस कंपैरिजन के थ्रू आप लोग डिसाइड कर सकते हो कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सही है। सो लेट्स स्ट्रेट टू द कंपैरिजन। स्टार्ट करते हैं कलर वेरिएंट से। तो रेडमी नोट 8 प्रो में हमें 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, वही रियलमी एक्स टी में हमें 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। कलर वेरिएंट पे रेडमी नोट 8 प्रो में हमें 1 कलर वेरिएंट ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। अगर डिस्प्ले की बात करें तो रेडमी नोट 8 प्रो में हमें FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी HDR सपोर्ट के साथ। HDR देने का फायदा ये होता है कि आप लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पर HDR की मदद से HD वीडियो देख सकते हो। वही बात करें रियलमी एक्स टी की, तो इसमें हमें FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों का डिस्प्ले काफी अच्छा है। अगर बॉडी की बात करें तो दोनों में ही ग्लास बॉडी देखने को मिलता है। रेडमी नोट 8 प्रो में हमें रियर फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, लेकिन रियलमी एक्स टी में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। रियलमी एक्स टी को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए एक एडवांटेज ज्यादा मिल जाता है। दोनों ही आते हैं ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं LED नोटिफिकेशन की। अगर LED नोटिफिकेशन की तरफ देखें तो दोनों में ही LED नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो रियलमी एक्स टी में हमें 2.03 GHz स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टाकोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो आता है 10nm टेक्नोलॉजी के साथ। वही अगर रेडमी नोट 8 प्रो की प्रोसेसर की बात करें तो ये आता है लेटेस्ट 2.05 GHz मीडियाटेक हीलियो G90T के साथ। ये प्रोसेसर सिर्फ हमें रेडमी नोट 8 प्रो में ही देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर गेमिंग सेंट्रिक है, आप इससे हेवी से हेवी गेमिंग कर सकते हो। प्रोसेसर में रेडमी नोट 8 प्रो को ज्यादा पॉइंट दूंगा। अगर स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो रेडमी नोट 8 प्रो में हमें 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 128GB टोटल 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। वही रियलमी एक्स टी में हमें 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 64GB एंड 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिम स्लॉट की। तो लकीली इस बार हमें रेडमी नोट 8 प्रो में फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप लोग 2 सिम कार्ड एंड 1 SD कार्ड लगा सकते हो एक साथ। वही रियलमी की हर फोन में हमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो रेडमी नोट 8 प्रो में मिलता है एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स रेडमी के खुद का MIUI 10 के साथ। वही कुछ दिन बाद आप लोगों को MIUI 11 का भी अपडेट मिलने वाला है। वही रियलमी एक्स टी में भी हमें एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है रियलमी के खुद का कलरओएस 6 के साथ, लेकिन MIUI में आप लोगों को एड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वही रियलमी के OS में आप लोगों को किसी तरह भी एड्स देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं रियलमी एक्स टी को एक पॉइंट ज्यादा दूंगा। अब बात करेंगे बैटरी की। तो रेडमी नोट 8 प्रो में हमें बिग 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, वो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और इस बार आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा, मतलब सोने पे सुहागा। वही रियलमी एक्स टी में हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, इसमें भी आप लोगों को रियलमी का फास्ट चार्जर वोक 3.0 देखने को मिलेगा। अगर बात करें कैमरा की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में हमें वर्ल्ड्स फर्स्ट 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल और बाकी डेप्थ सेंसिंग, मैक्रो शॉट, वाइड एंगल शॉट के लिए 8+2+2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। वही अगर बात करें रियलमी एक्स टी की, तो इसमें भी हमें इंडियाज फर्स्ट 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। दोनों में ही EIS का ऑप्शन मिलता है। दोनों स्मार्टफोन से आप लोग 4K वीडियो शूट कर सकते हो, स्लो मोशन वीडियो भी शूट कर सकते हो। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, वही रियलमी एक्स टी में हमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो आता है सोनी का IMX471 सेंसर के साथ। तो फ्रंट कैमरा में भी आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो कैमरा दोनों का ही बराबर है। लास्ट अगर दोनों की प्राइस की बात करें, तो रेडमी नोट 8 प्रो की 6GB प्लस 64GB वेरिएंट आप लोगों को अमेजोन पर 14,999 रुपीस में मिल जाएगा। वही इसके 6GB प्लस 128GB वेरिएंट 15,999 रुपीस एंड 8GB प्लस 128GB वेरिएंट आप लोगों को 17,999 रुपीस में मिल जाएगा। वही अगर दूसरी तरफ रियलमी एक्स टी की बात करें, तो इसका 4GB प्लस 64GB वेरिएंट आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर 15,999 रुपीस में मिल जाएगा। रियलमी एक्स टी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो, लेकिन अगर आप अभी रियलमी एक्स टी को खरीदते हो तो आप लोगों को SBI डेबिट कार्ड पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मतलब रियलमी एक्स टी का बेस वेरिएंट आप लोगों को सिर्फ 13,500 रुपीज़ में मिल जाएगा।
अब हम आते हैं कॉन्क्लूजन की तरफ। तो Redmi Note 8 Pro में एक अच्छा सा हैवी प्रोसेसर, बिग 4500 mAh बैटरी, वर्ल्ड फर्स्ट 64 MP क्वाड कैमरा, प्रीमियम ग्लास बॉडी, ट्रिपल कार्ड स्लॉट, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। वही अगर Realme XT की कॉन्क्लूजन की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को एक डिसेंट सा प्रोसेसर, डिसेंट बैटरी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, इंडियाज फर्स्ट 64 MP क्वाड कैमरा, प्रीमियम ग्लास बॉडी, ट्रिपल कार्ड स्लॉट एंड टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो दोनों का प्राइस लगभग सेम देखने को मिलता है, जो मैं पहले बताया हूँ। अगर दोनों की प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। Redmi Note 8 Pro में हमें एक हैवी गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, वही दूसरी तरफ Realme XT में हमें स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 8 Pro काफी अच्छा है, दोनों ही आते हैं खुद के UI पे। कैमरा की बात करें तो दोनों का कैमरा सेम देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो Redmi Note 8 Pro में थोड़ा बड़ा बैटरी देखने को मिल जाते हैं, वही Realme XT में हमें 4000 mAh बैटरी देखने को मिलता है। दोनों ही आते हैं फास्ट चार्जर के साथ। दोनों में ही आप लोगों को प्रीमियम ग्लास बॉडी देखने को मिल जाते हैं विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। दोनों में ही LED नोटिफिकेशन और ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो Redmi Note 8 Pro में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है, वही Realme XT में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं। वही Redmi Note 8 Pro की UI में आप लोगों को भर भर कर एड्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को बिग थम्स अप दे दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप स्माइलिंग।